हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो फाइनली हम लोगों का जो न्यू वाला पॉपुलैरिटी बैटल है आज आने वाला है BGMI के अंदर। और साथ ही मैं बता दूं कि हम लोगों के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे। और आप लोगों का सबसे पहले डाउट ये होगा कि हम लोगों का जो रिवॉर्ड था जो कि Level 3 और Level 6 का था, वो क्या हम लोगों को मिलेगा या फिर नहीं। क्योंकि देखो, अभी तक यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स हैं उनको ऐड नहीं किया गया, इतने सारे अपडेट्स आ गए छोटे छोटे, बट उसके अंदर भी इनको फिक्स नहीं किया गया। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं सीधा पॉपुलैरिटी बैटल के अंदर। एंड पॉपुलैरिटी बैटल बता दूं कि अभी खत्म हो चुका है। एंड देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप लोग गए होगे तो यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो मेरे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हो पाए थे क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था इसके अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप लोग आओगे ना रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में, तो आप लोगों को जाना है Level 3 में। एंड जैसे आप लोग Level 3 के अंदर 120 पॉइंट्स कर रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव देख सकते हो कुछ देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे हम लोगों का इन्फो प्लेयर कार्ड था। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों का प्लेयर कार्ड है ना, ये अभी तक हम लोगों का नहीं डाला गया। एंड जैसे ही आप लोग जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो आप लोगों का फिक्स नहीं किया गया। इसी तरीके से Level 6 के अंदर पे भी हम लोगों को जो प्लेयर कार्ड देखने को मिल रहा था, वो भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब बात ये आती है कि क्या हम लोगों को ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हाँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों का अपडेट नहीं है, एंड पता नहीं ये BGMI आखिर कर क्या रहा है। इसके अंदर यहाँ पे अपडेट तो आ रहे हैं, बट इसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया। पॉपुलैरिटी बैटल ख़त्म भी हो गया। अब हो सकता है कि आगे जाकर आप लोगों को कभी ये रिवॉर्ड्स मिले, या फिर हो सकता है कि आपको इसका कंपनसेशन मिल जाए। अब पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो रहा है। अब लगता नहीं आप लोगों को इनके रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अब आप लोगों के पास शायद से ये रिवॉर्ड्स ना मिल पाए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मिले या फिर नहीं। वैसे नहीं मिला होगा, इतना बेकार सा ग्लिच है। बाकी यहाँ पे चलो अब आगे हम लोग एक ही करके बात कर लेते हैं कि क्या कुछ रिवॉर्ड्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एंड क्या वो रिवॉर्ड्स हम लोगों को मिलने वाले हैं या फिर नहीं। बाकी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का हम लोगों का था रेनडियर वाला, जो कि हमारा इन्फर्न प्लेयर कार्ड था, जो कि हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों के कुछ ग्लिचेस है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके नेक्स्ट वाला पॉपुलैरिटी बैटल। तो देखो, दो टाइप के यहाँ पे पॉपुलैरिटी बैटल आ सकते हैं, और वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर्स बाकी है, फिर हम लोग 10K हिट करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को 4v4 पॉपुलैरिटी बैटल दिख रहा होगा। एंड इसका यहाँ पे टाइमिंग ऊपर में देख सकते हो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे तो 14 तारीख है, क्योंकि ये पबजी से लिया गया। एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का BGMI जो है ना, इस अपडेट के अंदर ये वाला पॉपुलैरिटी बैटल आएगा, यानी कि अभी अपडेट आने में हम लोगों का टाइम है ना, तो 25-26 तक हम लोगों का BGMI के अंदर अपडेट आएगा। एंड उसी टाइम पे आपको पता होगा कि हम लोगों का पॉपुलैरिटी बैटल आने वाला है, नेक्स्ट अपडेट आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स हो सकता है कि ऐड होते हुए दिख जाए एक दो दिन, मतलब वहाँ पे जब अपडेट आएगा उस टाइम पे। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके रिवॉर्ड्स भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है कि हम लोगों को 4v4 पॉपुलैरिटी बैटल देखने को मिले। एंड देख सकते हैं उसके रिवॉर्ड्स क्या काफ़ी बढ़िया रहते हैं। तो चलो एक एक करके रिवॉर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वही BP कॉइन एंड सिल्वर फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। फिर आप लोग PK2 पे देख सकते हो 80 पॉइंट्स में, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को एक निक नेम बैच मिल जाएगा। अभी निक नेम बैच क्या है वो आप लोगों को आगे बता दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हो सीजन्स में जैसे ही जाओगे तो आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा होगा लेजिट करके, या फिर कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो बेसिकली यही है हम लोगों का निकनेम बैच। अब मान लो कि आप लोग यहाँ पे अपने टीम लीडर रहते हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे अपने टीम का जो निकनेम चूज़ करोगे वो यहाँ पे शो होने लगेगा। यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे जैसी अपने टीम में, तो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक निकनेम वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसमें अगर वो आपको मिल जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना निकनेम जो रख सकते हो कुछ भी, एंड अपने टीम का, और सब पे वही सेम टू सेम यहाँ पे शो होगा निकनेम। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा निकनेम से रिलेटेड। एंड इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे अपने टीम का कुछ अलग से नाम रख सकते हो। अब नीचे यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोगों को एक स्नोमैन वाली देख सकते हो प्लेयर कार्ड देखने को मिल रही है, काफ़ी नॉर्मल सी है। और बता दूं कि क्योंकि ये रिवॉर्ड्स ऑलरेडी BGMI के अंदर एडेड है, सो हो सकता है कि हम लोगों को डायरेक्टली वो BGMI के अंदर भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो डांस हम लोगों को एक देखने को मिल रहा है PK3 पे। तो देख सकते हो यार, ये विगल वोबल काफ़ी बढ़िया डांस लग रहा है। आप बताना आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ना, मुझको ये डांस काफ़ी पसंद आया वैसे। तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को एक इन्फो कार्ड देखने को मिल रहा है। तो ये भी इन्फो कार्ड भी काफ़ी सही लग रहा है देखने में। एंड इसका देख सकते हो मेन मेन्यू के अंदर ही कुछ ऐसा लगेगा।
तो ये भी हम लोगों के रिवॉर्ड्स जो है एडेड है BGMI के अंदर, तो हो सकता है कि ये रिवॉर्ड्स हमें मिले। फिर यहाँ पे हम लोगों को सनफ्लावर निकनेम बैच लेवल 3 का देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का वही निकनेम वाला चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग जैसे ही जाओगे अपने सेक्शन में तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। और बाकी यहाँ पे हम लोगों के जो रिवॉर्ड्स है और आगे बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को नीचे में जैसे जाओगे तो 250 में आप लोगों को फिर से वो बैच देखने को मिलेगा लेवल 4 का। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को एक और यहाँ पे डायनामिक इन्फो कार्ड देखने को मिलेगा जो कि एनिमेटेड है। सो ये इन्फो कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे चमक रहा है, एनिमेटेड है तो अच्छा तो लगना ही है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पे हम लोगों का मेन मेन्यू में। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब अगर बात करूँ तो ये सारे रिवॉर्ड्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। एंड हाँ, अब हो सकता है कि ये रिवॉर्ड्स हमें मिले, बाकी नीचे देख सकते हो आप लोगों को दिख रहा होगा टीम मेंबर्स करके 1v4 लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ना अभी आप लोगों को पूरा रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे आप लोग एक प्लेयर रहोगे एंड उसके अंदर आप लोगों को अपने 3 दोस्तों को इन्वाइट करना होगा। एंड जैसे ही यहाँ पे अपने 3 दोस्तों को आप लोग इन्वाइट कर लेते हो उसके बाद ये मैच यहाँ पे स्टार्ट होगा, पॉपुलैरिटी बैटल आप लोगों की स्टार्ट होगी। एंड जैसे ही एक बार आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करके एंड स्टार्ट होगा आप लोगों का मैच, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे मैच खेलना होगा, जो कि यहाँ पे मैच होता है 16 दिन तक के आसपास का, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का यहाँ पे मैच होगा। एंड इसके अंदर आप लोगों को ना मान लो कि आप लोग 4 लोग रहते हो एंड टीममेट भी 4 लोग रहते हो, ऐसा नहीं है कि एक साथ यहाँ पे होगा फाइट तो यहाँ पे सोलो में ही होगा, मतलब कि आप एंड आपका एक अपोनेंट रहेगा, फिर आपकी फ्रेंड एंड आपके फ्रेंड का एक अपोनेंट रहेगा। तो मान लो कि यहाँ पे आपका फ्रेंड जो यहाँ पे जीत जाता है, मान लो कि आप लोग यहाँ पे जो 3 फ्रेंड्स है वो लोग जीत जाते हैं आपके, तो यहाँ पे आप लोग पॉपुलैरिटी बैटल जीत जाओगे। बट अगर आप लोगों के 2 फ्रेंड्स हार जाते हैं एंड 2 फ्रेंड्स उनके भी यहाँ पे जीत जाते हैं, मतलब यहाँ पे मान लो कि आपके 2 फ्रेंड्स जीते हैं एनिमी भी 2-3 यहाँ पे जीत जाती है, तो क्या आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा? तो देखो रिवॉर्ड इस तरीके से काउंट नहीं होता, यहाँ पे टाई हो जाएगा मैच। एंड उसके बाद यहाँ पे ना आपके फ्रेंड्स के पास जितनी पॉपुलैरिटी पॉइंट है एंड उसके बाद यहाँ पे टीम यहाँ पे अपोनेंट जो रहते हैं उनके पास कितनी पॉपुलैरिटी पॉइंट है सब काउंट किया जाएगा। एंड जिसके पास यहाँ पे ज़्यादा रहेगी उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। मान लो कि आपके पास 1,00,000 है एंड टीममेट के पास 90,000, तो आप लोग यहाँ पे जीत जाओगे। बाकी देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को हाउ टू प्ले के अंदर और सारी डिटेल्स दिख जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को खेलना है। एंड देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहेगा मैच का 2 दिन का, यानी कि 2 दिन का हम लोगों का मैच होगा, काफ़ी छोटा सा मैच होगा। एंड इसके अंदर वही आप लोगों को बोला जा रहा है कि ऐसे तो 1v1 खेलना है, बट अगर उसके अंदर आप लोग हार भी जाते हो, मान लो कि आपका 3 टीम जीत गया, 3 टीममेट आप लोगों के जीत गए एंड आप हार गए, फिर भी आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेगा ही मिलेगा, उतने जितने पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। और नीचे मैं देख सकते हो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके खेलते जाना है। एंड जैसे यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा उसके बाद से आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसके अंदर तो सारे रिवॉर्ड्स आप लोगों को काफी इजीली मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो देखो अब ये आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिवॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं तो इस तरीके का नॉर्मल पॉपुलैरिटी बैटल आएगा, जैसे एजी करेंसी सिल्वर मिलेगी, फिर यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को एक यहाँ पे पॉप अप फिनिश मिल जाएगी जो कि रेनडियर वाली है, फिर यहाँ पे हम लोगों को और कुछ पॉपुलैरिटी मिलेगी, फिर इसके अलावा 120 पॉइंट्स में PK3 पे हम लोगों को देख सकते हो एक और प्लेयर कार्ड मिल जाएगा। एंड देख सकते हो यहाँ पे सोशल प्लेयर कार्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। आप बताओ आप लोगों को सबसे बढ़िया क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। फिर यहाँ पे मनी गन मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 180 पॉइंट्स में देख सकते हो मेन मेन्यू में आप लोगों को काफ़ी बढ़िया सा ये इन्फो कार्ड ऐसा सा देखने को मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को देख सकते हो एक अवतार देखने को मिल जाएगी, एंड ये अवतार भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, स्किन वाली है। एंड फिर यहाँ पे 230 पॉइंट यानी PK5 पे आप लोगों को देख सकते हो मिल जाएगा ये अवतार फेम, काफ़ी बढ़िया लग रही है। फिर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर वाली पॉपुलैरिटी पॉइंट आपको मिलेगी, फिर यहाँ पे PK6 पे आप लोगों को एक और यहाँ पे डायनेमिक प्लेयर कार्ड मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हो और आप लोगों को एक और चीज़ मिल जाएगी जो कि डायनेमिक इन्फो कार्ड पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे वही है स्की वाली एंड काफी बढ़िया लग रही है देखने में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करके एक देखने को मिलती है काफी बढ़िया सी इमोट, एंड देख सकते हो काफी मस्त लग रही है देखने में। आप बताना आप लोगों को सबसे बढ़िया क्या लगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है एक स्की चैट बबल, तो ये तो आपको पता ही होगा चैट में यूज होता है ये, जैसे आप लोग कुछ भी लिखोगे तो वहाँ पे आप लोगों का इस टाइप से आएगा एनिमेशन।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो ग्लेशियर कासल लॉबी थीम मिल रही है, एंड ये तो यार काफ़ी गजब की लग रही है, तो इसके लिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को देखने को मिलती है एक और डायनामिक निकनेम, एंड देख सकते हो ये काफ़ी गजब की लग रही है देखने में, मतलब यहाँ पे जो भी आप लोग अपने टीममेट का निकनेम रखोगे वो यहाँ पे मतलब शो होगा, मतलब नेम के ऊपर शो होगा। तो ये हो गए हम लोगों के सारे रिवॉर्ड्स जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई, एंड और तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिले, आप लोग बताना आप लोगों को मिले या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर से पूछ सकते हो। और हाँ, मैं मिलती हूँ आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।